सो दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो में इनहेंस क्वालिटी ऐड करना चाहते हो, मेरा मतलब है अगर आप लो क्वालिटी की वीडियो को हाई क्वालिटी में एडिट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। जस्ट अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो मैं आप दोस्तों के साथ ये सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए होने वाली है जो लो क्वालिटी की वीडियो को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिसके पास प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हर एंड्रॉइड मोबाइल पर काम भी करते हैं और हर एंड्रॉइड में दोस्तों आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल की एक और वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाई, आपके क्लिक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। इस वीडियो करते जाएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये एडिटिंग हम कैपकट में करने वाले हैं, लाइट मोशन की हम बात नहीं करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आप दोस्तों के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन शेयर कर चुका हूं, बट आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ कैपकट में ये एडिटिंग करने वाला हूं। सो वीडियो को यार कहीं पर भी मिस ना करें, चलिए मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं ये एडिटिंग किस तरह होती है, जो कि बहुत ईजी है, कोई बंदा यार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं, मोबाइल में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा आपने कैपकट को ओपन करने हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी स्टेप्स बताऊंगा वो दोस्तों आपने फॉलो कर देने हैं, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो दोस्तों आपकी जो एडिटिंग है वो परफेक्ट तरीके से नहीं आएगी। सो सिंपल सा हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर भी आपकी वीडियोज पड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये वीडियो है, या किसी भी वीडियो को दोस्तों आप पिक कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी वीडियो को पिक करो, इस वीडियो को आप पिक करो या इसको, तो सिंपल सा मैं इस वीडियो को पिक मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो बैक पार्ट है इसको हम करेंगे डिलीट। यहाँ पर हमारे पास पूरी के पूरी वीडियोस यहाँ पर दोस्तों आ चुकी है। अब यहाँ पर ये एक सिंपल सी वीडियो है दोस्तों, अगर आप इसकी इनहेंस इसमें ऐड करना चाहते हो, इसकी क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो, तो सिंपल सा नीचे नीचे दोस्तों आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिया गया है। सो एडजस्ट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको ग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है। सो इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर दोस्तों आपने ध्यान रख देना है, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। सिंपल सा दोस्तों, ये जो निशान है इसको दोस्तों आपने हाई कर देना है और इसको भी दोस्तों ये आपने हाई कर देना है। साथ में दोस्तों अब रेड हो गया, सो सिंपल सा दोस्तों आपने रेड पर भी इस तरह कर देना है और ये फोर स्टेप आपने दोस्तों इस तरह कर देनी है। उसके बाद आपने क्या कर देना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिंपल यहाँ पर दोस्तों आपने ये सारे के सारे आपने इस तरह कर देने हैं, तो ये आपकी वीडियो इस तरह कुछ बन जाएगी। सिंपल सा दोस्तों आपने इसको डन कर देना है आपकी वीडियो का। ये दोस्तों ये अब लुक आ चुका है जो कि बहुत ही बेकार है, बट इसी से हम काम चला के ना, इसी को दोस्तों हम इसी से की वजह से हम अपनी वीडियो को इंक्रीज करेंगे, इसकी क्वालिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो, हम इसको करेंगे सेव, सॉरी सेव नहीं करने है आप दोस्तों, ये गलती आपने नहीं कर देनी है। सिंपल सा दोस्तों ये आपने स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर देना है, उसके बाद दोस्तों अपने इफेक्ट पर आना है और वीडियो इफेक्ट पर दोस्तों आपने आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक पर आना है और ब्लर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्लर पे सिलेक्ट करने के बाद ब्लर को मुकम्मल कर देना है वीडियो के साथ साथ। यहाँ पर हमारे पास ब्लर भी आ चुके हैं, तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। अब ये हमारी वीडियो पे सेव हो चुकी है, अब आपने क्या कर देना है, डन पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अब जहाँ पर भी आपकी वीडियो पड़ी होगी, सो सिंपल सा उसमें आपने आपकी जो पहली वाली वीडियो थी उसको आपने पिक कर देना है। पिक करने के बाद बहुत ही सिंपल सा सेटिंग्स है दोस्तों, नीचे नीचे ओवरले का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सो सिंपल सा ओवरले पे क्लिक कर देना है, एड ओवरले पे क्लिक कर देना है। अब जो वीडियो दोस्तों अभी आपने एडिट करके सेव की थी उसको आपने यहाँ पर पिक कर देना है। पिक करने के बाद हमारी पूरी की पूरी वीडियो हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी जो दोस्तों आपने थोड़ा सा अपने उंगलियों के निशान से फिट स्क्रीन कर देना है, तो हमारी वीडियो फिट स्क्रीन हो चुकी है। अब सिंपल सा इस वीडियो पे आपने क्लिक कर देना है और नीचे नीचे प्लेस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ पर ब्राउन पे क्लिक कर देना है और इसकी जो क्वालिटी हो आपने थोड़ा कम कर देनी है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों आपने इस तरह की क्वालिटी रख देनी है। क्वालिटी इस तरह रखने के बाद ऊपर के वीडियो पर आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो एडजस्टमेंट दोस्तों आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपने हाई कर देना है इसी हिसाब से, और साथ में दोस्तों कंट्रास्ट को दोस्तों पीछे की तरफ ले आगे की तरफ ले आके आपने जाना है। शार्पन को भी दोस्तों आपने हाई थोड़ा सा कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे वाले वीडियो पे भी इस तरह आपने कर देना है, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एडजस्ट का ऑप्शन जो मिल जाता है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जो ब्राइटनेस है इसको आपने थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि जो आपकी वीडियो का रिजल्ट है वो ज़्यादातर अच्छा नजर आए, ठीक है। सो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप करोगे तो दोस्तों आपकी वीडियो का रिजल्ट बहुत ही प्यारा नजर आएगा। सिंपल सा दोस्तों आपका यहाँ पर शार्पन मिल जाता है, सो शार्पन को भी आपने हाई कर देना है। अब अपनी वीडियो का दोस्तों आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, आपकी वीडियो का दोस्तों परफेक्ट तरीके से रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो बहुत ही कमाल की वीडियो का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मुकम्मल रिजल्ट आ चुके हैं, आपको देख नजर आ रहा है दोस्तों। ये कैपकट में बहुत ही इजी है, लाइट मोशन में भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया होता, अगर आपके पास लाइट मोशन है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस तरह दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।